कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड मतलब आर्ग्यूमेंट वाले, और नॉन पैरामीटराइज्ड मतलब बिना आर्ग्यूमेंट वाले। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके डेटा मेंबर में क्या वैल्यू जानी चाहिए वो अपन कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब यहां मैंने एक क्लास बनाई है कंट्री। कंट्री क्लास में तीन मेंबर लिए हैं, नेम, कैपिटल और करेंसी। नेम, कैपिटल, करेंसी तीन मेंबर हैं। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया बिना आर्ग्यूमेंट वाला। उसमें मैंने कंट्री के नेम में बाय डिफॉल्ट इंडिया, कैपिटल में न्यू दिल्ली और करेंसी में रुपीज असाइन कर दिया। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया दो आर्ग्यूमेंट वाला, जिसमें नेम और कैपिटल आएंगे और करेंसी में अनडिफाइंड स्टोर रहेगा। क्योंकि करेंसी आई नहीं है तो करेंसी में जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू चाहते हो वो यहाँ आपको असाइन करनी है। तो मैंने यहाँ अनडिफाइंड असाइन करा है। आप चाहो तो नॉट स्पेसिफाइड भी कर सकते हो, अननोन भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं करोगे अगर आप ये लाइन लिखोगे ही नहीं, करेंसी इक्वल टू अनडिफाइंड, तो करेंसी में बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। तो एक तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया दो आर्ग्यूमेंट वाला, जिसमें नेम और कैपिटल आएंगे और वो मैंने डेटा मेंबर्स नेम और कैपिटल में स्टोर कर दिए। करेंसी आएगी ही नहीं तो मैंने करेंसी में अनडिफाइंड स्टोर किया है। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया तीन आर्ग्यूमेंट वाला, जिसके तीन आर्ग्यूमेंट हैं। पहले आर्ग्यूमेंट में कंट्री का नेम आएगा, दूसरे में कैपिटल सिटी और तीसरे में करेंसी। तो ये जो तीन वैल्यूज आई हैं ये इन तीनों डेटा मेंबर्स में स्टोर हो जाएंगी। तो इस क्लास के अंदर तीन कंस्ट्रक्टर हैं, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला। बिना आर्ग्यूमेंट वाला तो एक ही हो सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ जो अपन ने बनाया है वो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट वाला बनाया है, एक दो आर्ग्यूमेंट वाला और एक तीन आर्ग्यूमेंट वाला। तीन कंस्ट्रक्टर बना लिए मैंने। फिर मैंने मेथड्स भी बनाए, सेट नेम जो कंट्री का नेम मॉडिफाई करने के काम में आएगा, सेट कैपिटल जो कैपिटल सिटी मॉडिफाई करने के काम में आएगा, और सेट करेंसी जो करेंसी की वैल्यू मॉडिफाई करने के काम आएगा, और एक डिस्प्ले नाम का मेथड भी बनाया। अब मेन के अंदर मैंने यहां लिखा कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री। इसमें मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं, तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कोड लिखा है, नेम इक्वल टू इंडिया, कैपिटल इक्वल टू न्यू दिल्ली और करेंसी इक्वल टू रुपीज। तो यही तीनों वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, नेम में इंडिया, कैपिटल में न्यू दिल्ली, करेंसी में रुपीज। ये है बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। तो जब मैंने ऐसे लिखा कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री, तो आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब मैं ए डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इंडिया, न्यू दिल्ली और रुपीज वो डिस्प्ले होंगी। तो यहां मुझे किसी सेट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैंने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का कोड लिख दिया है। फिर मैंने
जो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करी हैं इंडिया, न्यू दिल्ली और रुपीस, तो उनको मुझे मॉडिफाई करना हो तो सेट मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। ए डॉट सेट नेम ओमान, इससे कंट्री के नेम में इंडिया की जगह ओमान हो जाएगा। ए डॉट सेट कैपिटल मस्कट, इससे न्यू दिल्ली की जगह मस्कट ओवरराइट हो जाएगा। और इसी तरह से सेट करेंसी में जो मैं करेंसी नेम पास करूंगा वो पुरानी करेंसी मतलब रुपीस को ओवरराइट करेगा। अब मैं अगर ए डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो ये नई वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं कंट्री बी इक्वल टू न्यू कंट्री, अब यहां मैंने कंट्री का नाम, कैपिटल और करेंसी तीनों चीजें पास करी हैं, तो इससे तीन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये तीनों वैल्यूज जाके डेटा मेंबर्स में स्टोर हो जाएंगी। अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, ऊपर तो मैंने तीन पास किए हैं, यहाँ पे कंट्री का नेम, कैपिटल, करेंसी तीनों पास किए हैं, यहां मैंने कंट्री आर बनाते हुए सिर्फ कंट्री का नेम और कैपिटल ही पास करी, करेंसी पास नहीं करी है, तो दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और करेंसी में अनडिफाइंड जाएगा। उस अनडिफाइंड को मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं सेट करेंसी मेथड को कॉल कर सकता हूं। सेट करेंसी में मैंने करेंसी का नेम दिया तो अनडिफाइंड की जगह ये स्टोर हो जाएगा। अब डिस्प्ले करेंगे तो नई वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है तो कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है, जैसे यहां पे मैंने किया है, एक तीन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, एक दो आर्ग्यूमेंट वाला, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला। अभी तक कंस्ट्रक्टर में अपन कोड लिख रहे थे वैल्यूज असाइन करने का, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजर से इनपुट भी लिया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक फ्लावर क्लास बनाई, इसमें मैंने तीन मेंबर्स लिए, नेम, कलर और सीजन। ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक फ्लावर, इसमें मैंने यूजर से नेम, फ्लावर नेम, कलर और सीजन का इनपुट लिया है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो वैल्यूज मेन से पास करो वही स्टोर हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजर से इनपुट लेने का कोड भी लिखा जा सकता है। फिर डिस्प्ले बनाया मैंने जो तीनों को डिस्प्ले करेगा। अब मेन है इसका समझने वाला, जब मैं ऐसे लिखूंगा फ्लावर एफ इक्वल टू न्यू फ्लावर, इसका मतलब मैंने फ्लावर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ये पब्लिक फ्लावर, और ये यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ये नेम, कलर और सीजन में इनपुट ले लेगा, अलग से आपको किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना है। फिर मैं लिखूंगा एफ डॉट डिस्प्ले तो ये उनको डिस्प्ले कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं मेन से, और वो वैल्यूज डेटा मेंबर्स में स्टोर हो सकती हैं, और कंस्ट्रक्टर में यूजर इनपुट वाला कोड भी आ सकता है। अगर मैं क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊं, जैसे कि अपन ने शुरू के 90 प्रोग्राम्स में तो बनाया भी नहीं था, तो अगर मैं क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊं तो जावा प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्सल क्लास बनाई, इसमें दो डेटा मेंबर्स हैं एक्स और वाई, इसमें डिस्प्ले है, सेट एक्स है और सेट वाई है, बस इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं। तो अगर मैं क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा तो जावा प्रोवाइड करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब बिना आर्ग्यूमेंट वाला। तो अब मैंने लिखा पिक्सल पी इक्वल टू न्यू पिक्सल राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इससे जावा ने जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है वो
कॉल होगा और डिस्प्ले करेंगे तो क्या वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, 0, 0. न्यूमेरिक्स में क्या वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, 0, 0. तो मैंने जब क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है न्यूमेरिक्स में 0 असाइन करना, बूलियन में फॉल्स असाइन करना और बाकी सब में नल असाइन करना. फिर मुझे वैल्यूज को ओवरराइट करना है तो मैंने सेट एक्स और सेट वाई को कॉल किया. फिर डिस्प्ले करेंगे तो जो मैंने नई वैल्यूज दी हैं वो डिस्प्ले होंगी. स्टेटमेंट ध्यान रखो, आप अगर आपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो जैसा कि इस प्रोग्राम में मैंने पिक्सल क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा जो एक्स और वाई में 0 असाइन कर देगा. अब यहां मैंने पिक्सल क्लास बनाई. पिक्सल क्लास बनाई तो उसमें डेटा मेंबर्स हैं इंट ए और इंट बी. मैं इंट ए और इंट बी आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके मैंने डेटा मेंबर्स एक्स और वाई में वैल्यू असाइन करी. ये मैंने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही बनाया है, इसमें बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है. सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर और एक डिस्प्ले, सेट एक्स और सेट वाई, सिर्फ यही मेथड्स बनाए हैं. अब अगर मैं लिखूंगा, ये ऊपर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कोई भी बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही है. एक डिस्प्ले है, सेट एक्स और सेट वाई है. अब अगर मैं लिखूंगा पिक्सल जे इक्वल टू न्यू पिक्सल 10, 20, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो 10 और 20 असाइन कर देगा. तो जब डिस्प्ले करेंगे तो 10 और 20 ही डिस्प्ले होगा. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं पिक्सल पी इक्वल टू न्यू पिक्सल राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इससे बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, लेकिन वो तो अपन ने बनाया ही नहीं है, तो यहां आएगा एरर. इस केस में जावा भी कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जावा बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कब प्रोवाइड करता है, जब आपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता. लेकिन मैंने तो यहाँ पे क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो अब जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो जो आपने बनाया है उसको आप यूज कर सकते हो. तो जैसे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट वाला बनाया है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बिना आर्ग्यूमेंट वाला बनाया ही नहीं है तो मैं उसको यूज भी नहीं कर सकता. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो अपन ने पढ़ ली. अब नॉर्मल मेथड्स को भी क्लास में ओवरलोड कर सकते हैं. जैसे मैंने क्लास बनाई बुक, उसमें 3 मेंबर्स हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस. ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें टाइटल, ऑथर और प्राइस में वैल्यू असाइन करी. फिर मैंने यहां बनाया सेट डेटा 2 आर्ग्यूमेंट वाला और सेट डेटा 3 आर्ग्यूमेंट वाला. तो अब दोनों के नाम क्या है, सेट डेटा. एक 2 आर्ग्यूमेंट वाला सेट डेटा, एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला सेट डेटा. तो इसको भी अपन क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. सेट डेटा नाम का मेथड क्लास में बनाया, एक 2 वाला जिसमें टाइटल और ऑथर आ रहा है, और एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला जिसमें टाइटल, ऑथर और प्राइस आ रहा है. बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने जो वैल्यूज असाइन करी हैं वो डिस्प्ले होंगी जब मैं a.display लिखूंगा.
क्योंकि मैंने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले होंगी ए में। अब मैंने ए डॉट सेट डेटा लिखा, बुक का टाइटल और ऑथर का नेम तो पास कर दिया, तो ये तो जाके स्टोर हो जाएगा, और प्राइस में मैंने कुछ असाइन नहीं करा है, तो प्राइस में जो पुरानी वैल्यू है 500 वही स्टोर रहेगी, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट ही यूज कर रहे हैं, तो ए में अभी ये तीनों चीजें स्टोर हैं। अब मैंने ए डॉट सेट डेटा लिखा, सिर्फ बुक का टाइटल और ऑथर मॉडिफाई किया, प्राइस मॉडिफाई नहीं करी, तो प्राइस में पुरानी वैल्यू रहेगी, मतलब 500। फिर मैंने बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बुक क्यू इक्वल टू न्यू बुक, क्यू डॉट सेट डेटा, बुक का टाइटल पास कर दिया मैंने, ऑथर पास कर दिया और प्राइस भी पास कर दिया, इससे तीन आर्ग्यूमेंट वाला सेट डेटा कॉल होगा और ये तीनों वैल्यूज जो है वो डेटा मेंबर्स में जाके स्टोर हो जाएंगी। तो इस प्रोग्राम में मैंने दो सेट डेटा बनाए हैं, एक दो आर्ग्यूमेंट वाला और एक तीन आर्ग्यूमेंट वाला।